चलिए आज बनाते हैं इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ताज़ी कॉर्न और इसे अच्छे से छील लेना है। उसके बाद इसके दानों को अच्छे से उबालना है आपको कुकर में। कुकर में उबालते समय नमक ज़रूर ऐड कर ले ताकि ये अच्छे से पक जाए। 4 से 5 सीटी ज़रूर करा ले ताकि ये बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। कुकर में आप चाहे तो नमक के साथ थोड़ा सा ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। 300 से 400 ग्राम यहाँ पर सूजी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 200 से 250 ग्राम आप दही ऐड कर सकते हैं। अगर दही कम हो तो आप उसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके घोल बना सकते हैं। घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम करना है। आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक आधा कटोरी या एक कटोरिया बेसन भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेसन ज़रूर ऐड कर लें। और यहाँ पर मैंने दही मिक्स कर दिया, इसे अच्छे से चलाया मैंने, मिक्स किया और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी मैंने ऐड किया है। इसे अच्छे से घोल बना लिया है मैंने। यहाँ चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो, खीरे को कट करके ऐड कर सकते हैं, गाजर को ऐड कर सकते हैं, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं है तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ कट कर लें और अदरक ज़रूर कट कर लें। मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज ये ज़रूर कट कर लें। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। जीरा और अजवाइन को तवे पे भून लें और उसे बारीक पीस लें, आसानी से इजीली पीस जाता है। और उसका पाउडर आपको 1/2 चम्मच ऐड कर लेना है। थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं और हाँ, आप चाहे तो 1 से 1/2 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ती को यहाँ पर ऐड कर लिया है मैंने और टमाटर को भी ऐड किया है मैंने। और अब जो उबले हुए कॉर्न है हमारे, उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर स्वादानुसार सादा नमक ज़रूर ऐड कर लें। अब ये घोल बनकर तैयार हो गया है। तवे को अच्छे से तेज़ गर्म करना है, उसके बाद आप तेल या घी लगा सकते हैं। उसे इसे अच्छे से वहाँ पर फैला लेना है। एक तरफ से आपको तेज आंच पे सेकना है और दूसरी तरफ जब आप पलटते हैं तो इसे कम आँच पर ढक ढक कर पकाए। थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा आपका ईजी सा ब्रेकफास्ट। बहुत ही हेल्दी है और इससे आपको पेट भी भर जाता है अच्छे से और बहुत टेस्टी भी होता है ये। इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, घी वाली रायते के साथ भी इसे खा सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं इसी तरह से आपके लिए ईजी ईजी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। ये उत्तपम जैसा ही है बट इसे थोड़ा सा मैंने कॉर्न के साथ कुक किया है और आप इसे डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, हेल्दी है।